भारतीय टीम जब दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पहुंची और उसके बाद जो पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में खेला जाना था उससे ठीक एक दिन पहले राहुल द्रविड़ की पीसी हुई। हमने सोचा कि शायद दौरे की शुरुआत राहुल द्रविड़ अपने कोचिंग की शुरुआत मानते हुए तरीके से करना चाहते हैं, पीसी वहां बताना चाहते हैं विदेशी दौरे पर अपने टीम के बारे में, लेकिन अब दूसरे टेस्ट मैच से पहले भी राहुल द्रविड़ ही पीसी में आए। तब सवाल उठा कि आखिरकार अब कप्तान विराट कोहली पीसी में क्यों नहीं आए, तरह तरह की बातें की जाने लगी। तो जब हमने इस बात की पड़ताल की और जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल 100वां टेस्ट मैच नजदीक है, 98 टेस्ट मैच विराट कोहली खेल चुके हैं, तो हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको भेजा जाए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब 100वां टेस्ट मैच विराट कोहली केप टाउन में खेलेंगे तब वो पीसी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो आएंगे पत्रकारों के सामने में। तो अब ये खबर यही है कि राहुल द्रविड़ जो है अभी अगले टेस्ट मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, जो 100वां टेस्ट मैच होगा उसमें विराट कोहली आएंगे, यानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 100वें टेस्ट मैच का इंतजार हो रहा है, एक माइलस्टोन होगा विराट कोहली के करियर में। तो जैसे ही वो 100वां टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरेंगे उससे पहले वो पीसी में आएंगे और अपनी दिल की बात जय रखते हुए नजर आएंगे। तो यही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से विराट कोहली जो है अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे हैं। तो इंतजार कीजिए 100वां टेस्ट मैच का, उम्मीद कीजिए कि विराट कोहली के चेहरे पर मुस्कुराहट हो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, शतक बना चुके हो, 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।